Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे ड्रोन्स के बारे में जिसे आप Amazon इंडिया से खरीद सकते हैं। और आज हम बात करेंगे टॉप 3 ड्रोन्स के बारे में जो कि इस मंथ की लास्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 ड्रोन है हमारी लिस्ट में फैंटम ड्रोन, जो कि विदाउट कैमरे के साथ आता है, बट इसकी प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आप इसे 2600 रुपये में ख़रीद सकते हैं अगर आपके पास HDFC या फिर अगर आपके पास ICICI का कार्ड है, जो कि आपको Amazon सेल के दौरान डिस्काउंट देता है 10% इंस्टेंट का, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आपको यहाँ पर ये 2200 से 2300 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब बात कर लेते हैं कि आपको ये ड्रोन क्यों ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले इसका डिज़ाइन और दूसरी बात इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एल्टीट्यूड होल्ड में जाता है जिसकी हेल्प से आप इसे इजीली फ्लाई कर सकते हैं। एक हाइट पर ये होल्ड हो जाता है और आप इसे इजीली फ्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रोन को बाय कर रहे हैं तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आप इसे COD पर ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप एक कमाल का ड्रोन फाइंड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, तो आप फैंटम ड्रोन को ख़रीद सकते हैं। इसमें आपको 2 कलर और वेरिएंट मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस ड्रोन को, लिंक आपको इस ड्रोन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रोन की तरफ। जो हमारी लिस्ट का नेक्स्ट ड्रोन है वो काफ़ी यूनिक है। अगर आप DIY ड्रोन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस ड्रोन को ख़रीद सकते हैं। DIY का मतलब कि आप इसे खुद बिल्ड करेंगे। आपको ये कुछ पार्ट्स में मिलेगा और जिसे आपको जोड़कर एक ड्रोन को बनाना पड़ेगा। पहले ये वुड की शेप में आता था, बट यहाँ पर कंपनी ने इसे प्लास्टिक में कर दिया है जिसकी हेल्प से ये डैमेज नहीं होगा अगर आप इसे गलती से गिरा देते हैं। इसमें भी आपको एल्टीट्यूड होल्ड मिल जाता है। ये आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेगा और आपको इस ड्रोन को एक एक पीस को जोड़कर असेंबल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंट्रोलर भी असेंबल करना पड़ेगा। तो इस ड्रोन का मतलब यही है कि आप सीख सकते हैं ड्रोन्स के अंदर क्या होता है, किस तरह ये फंक्शन करता है, और आप इसे ईजिली फ्लाई करना सीख सकते हैं। एंड अगर आप इसे बिल्ड करना सीख जाते हैं तो आप इसे ईजिली फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आप खुद बिल्ड करके ड्रोन को फ्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। इसमें भी आपको एल्टीट्यूड होल्ड मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना फ्लाई किस तरह होगा, ये आसानी से फ्लाई हो जाएगा। और अगर इस ड्रोन की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आप इसे 4500 में ख़रीद सकते हैं, बट अगर आप ICICI का कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्टेंट 10% का कैशबैक मिल जाएगा। तो अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या फिर आप COD पर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की शेप मिलेगी जिसे आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। काफ़ी यूनिक ड्रोन है। अगर आप इस तरह के ड्रोन को फाइंड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको एल्टीट्यूड होल्ड और इस तरह के काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, 360 फ्लिप, 1 की रिटर्न। तो आप इस ड्रोन को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कुछ इस तरह का यूनिक ड्रोन फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रोन की तरफ। यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट ड्रोन बता रहा हूँ ये एक ड्रोन नहीं है, ये है एक हेलीकॉप्टर जिसमें आपको एल्टीट्यूड होल्ड मिल जाता है। और अगर इसकी ब्रांडिंग की बात करें तो ये आपको साइमा का 2.4 GHz का ये हेलीकॉप्टर मिल जाता है। अगर आप इसे फ्लाई करेंगे तो ये एकदम स्टेबल रहेगा, ये घूमेगा नहीं चारों ओर, क्योंकि इसमें आपको एल्टीट्यूड होल्ड मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप इसे ईजिली मूव कर सकते हैं आगे पीछे। ये एक हाइट पर नहीं उड़ेगा, यानी कि आप इसे ऊपर नीचे करके उड़ा नहीं सकते, यानी कि इसमें आपको एल्टीट्यूड होल्ड मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप इसे एक ही हाइट पर मेंटेन करके उड़ा सकते हैं और ये घूमेगा नहीं, यही इसकी सबसे अच्छी खासियत है। और लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्यूट है। अगर इसके यहाँ पर साइज़ की बात करें तो साइज़ एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर की तरह आपको मिल जाएगी, यानी कि आपको नॉर्मल टॉय हेलीकॉप्टर की तरह मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको जो फ्रिक्वेंसी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप इसे इजीली चार्ज करके कहीं भी कैरी करके फ्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा ये हेलीकॉप्टर है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ इस तरह की आपको ये शेप मिलेगी। सबसे अच्छी बात इसकी आपको यहाँ पर इसमें एल्टीट्यूड होल्ड मिल जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे फ्लाई करने में। तो इसे अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर से ट्राई कीजिए और यहाँ पर आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर से आप चेकआउट कीजिए।
तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और सभी ड्रोन्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से फॉलो करके इसे आसानी से बाय कर सकते हैं। एंड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और मैं मिलता हूँ अगले एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।